दोस्तों आज हमारे देश में कोरोना की आड़ में लगातार नफरत फैलाने का काम चालू है और जिसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में लगातार हमारे देश का जो मीडिया है वो लोगों के धर्म के नाम पर और हर एक चीज़ को धर्म के अंदर ले जा करके धर्म का एंगल दे करके लोगों में नफरत फैलाई जा रही है, जिसके रिजल्ट्स आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए से दिखाने वाला हूँ। मैं 3 से 4 ऐसे वीडियो फुटेज आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देखिए कोरोना की आड़ में किस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ बेरहमी की जा रही है। ठीक है, पहले मैं आपको दिल्ली लेके चलता हूं। दिल्ली की खबर आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें देखिए दिल्ली के बवाना में कोरोना फैलाने की साजिश रचने के शक में लोगों ने एक 22 वर्षीय युवक को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद वो हमारे बीच नहीं रहा। यानी कि बताया जाता है कि युवक की पहचान बवाना के हरेवली गांव निवासी महबूब अली के रूप में हुई है। ये पहला रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, जब से दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी जमात मरकज का मामला सामने आया तब से लगातार मीडिया में, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि मीडिया के अंदर तबलीगी जमात या जमातियों का नाम ना लिया जाता और उनके नाम पर डिबेट्स ना होती और उन डिबेट्स में लोगों को भड़काने का काम ना किया जाता हो। आप सोचिए ये मीडिया हमारे देश की कितनी बड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि लगातार ये हिंदू मुसलमान हर एक चीज में करके लोगों में नफरत पैदा करते हैं। इनकी दुकान चलती है इसी नफरत से और नफरत फैलाने वाली चीजों से, लेकिन इससे दूसरों का नुकसान होता है। अब आगे मैं आपको कुछ वीडियो फुटेज दिखाना चाहता हूं, गौर से देखिए इन वीडियोस को। उसके बाद हम आगे इस वीडियो के बाद एक और वीडियो दिखाएंगे, इसके साथ ही साथ कुछ और वीडियोस दिखाएंगे, गौर से देखला। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये खबरें उन राज्य के नेताओं के पास पहुंचे जिनके राज्य की ये घटनाएं हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले आप देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आप देख पाएंगे एक फ्रूट्स की दुकान वाला शख्स है जो कि दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है और एक फ्रूट्स की दुकान वाला शख्स है वो एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखता है, यानी कि अलग धर्म से ताल्लुक रखता है। दोनों में किस तरह से पार्शियलिटी की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। और भैया क्या हाल है, नाम क्या आपका? संतलाल के सवाल। आधार कार्ड दिखाओ जरा। यहाँ पर और कोई लगा दे रेडी? ऐसा है चलते फिरते का हुआ, चलते फिरते मतलब ऐसा है फिक्स में तो मेरा ही हमेशा लगाता है। आपके अगल बगल में और कौन लगाता है? अगल बगल में तो गाड़ी से आ जाते हैं खड़े होने को। कौन है वो लोग? अभी तो कोई फिक्स वाला नहीं हुआ, यहाँ पे जो होता है फिक्स वाला तो नहीं हुआ। अच्छा, फिक्स वाला कोई नहीं है। आगे है और कोई? आगे तो अभी तो कोई नहीं है, और आने को आते हैं। आते हैं? मुसलमान है, हिंदू है? मुसलमान। कहाँ पर लगाते हैं मुसलमान? कार खड़ी है, वहाँ लगाते हैं। कार खड़ी यहाँ पर? हाँ, एक दो और आगे। अच्छा, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो में, एक शख्स सबसे पहले जब ये शख्स जाते हैं, एक शख्स मिलता है, वो अपना नाम बताता है, उसको परमिशन है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दुकान लगा सकते हैं फ्रूट्स की, क्योंकि फ्रूट्स की दुकान लगाए हुए हैं। उसके बाद आगे हम एक और आपको फुटेज दिखाते हैं, देखिए ये भी फुटेज। क्या नाम है आपका भाई? जावेद भाई बंद कर दो यार, ठीक है? देखो हाथ जोड़ के ही कह रहे हैं और ईमानदारी से कह रहे हैं, तुम्हारे तरफ से बहुत दिक्कत हो रही है, बंद करो। ठीक है, ध्यान रखना, कोरोना आ रहा है ना बहुत ज्यादा, कोई भी साला ऐसा आदमी पहुंच गया तो फलों के द्वारा घर घर पहुंच जाएगा यार, सबके घर। आपसे ये है कि आपसे ये विनती है कि आपके अगल बगल में कोई भी अगर आपको मोमेडन दिखता है ठेला लगाते हुए या आपको रेडी पे भी जाते हुए दिखता है तो आपको जो है इनको कार्ड दे दीजिए अपना, मनोजदा नंबर लिख लो, आप सीधा हमें इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, कि ये बंदा यहाँ से जा रहा है। हम खोल सकते हैं? हाँ, आप खोल सकते हो। अच्छा, आपको आपके लिए कोई वो नहीं है? 9690। तो जैसा कि आप लोगों ने ये भी फुटेज देख लिया, इसमें एक शख्स रहता है विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है और ये लोग जाते हैं, हालांकि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भेदभाव और नफरत देखिए कितने चरम पर चढ़ चुकी है कि लोगों को धर्म के नाम पर परमिशन दी जाती है कि आप फ्रूट्स की दुकान लगाइए और आप मत लगाइए। सोचिए ये कितनी बड़ी नफरत है। इसमें वो लेडीज भी आपको दिख जाएगी, लेडीज भी आप देखिए किस तरह से खड़ी हुई है। अब आप सोचिए इस तरह की नफरत जो है कैसे लोगों को मतलब जो है हमारे देश को आगे बढ़ाने में काम करेगी।
ठीक है। अब हम आपको आगे एक और वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो को भी आप गौर से वॉच करिए। जब जान तो अकबरपुर है तो कहां पर लगे साले मजनून मक्खी का मालूम मजनून मक्खी का रोगी का तुम कराए पता कि 14 तारीख तक बंद तुमका चौ तुमका पता 14 तारीख तक सब काम बंद है। इतने मारे हैं ना जो चौदह तारीख तक तुमका बंदी तुमका ना समझ में होता जब हम तंबौर से आ रहे आप लोगों ने देखा ये भी शख्स एक विशेष धर्म के से ताल्लुक रखने वाला है। हालांकि ये घटना मैं आपको बता देता हूँ सीतापुर की है, सीतापुर के पास जो है खंबौर वगैरह को जैसा एरिया का नाम है वहां की घटना है। और आप लोगों ने देखा किस तरह से एक धर्म के नाम पर एक शख्स के साथ बदसलूकी की जा रही है। उसके बाद खैर अब ये खबर आ रही कि इस ये जिन लोगों ने इस शख्स के साथ जो है दुर्व्यवहार किया है उनको हिरासत में जरूर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों सामने देखने को मिल रही हैं। आपको पता होगा हमारा देश पहले ही ऐसी बहुत सारी घटनाओं से गुजरा हुआ है और जिसके चलते देश में नफरत फैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लोगों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन इसको लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के आप राजस्थान ले लीजिए या फिर कई ऐसे स्टेट्स के लोग हैं, मध्य प्रदेश ले लीजिए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐलान भी किया कि कोई भी शख्स अगर धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई फेक वीडियो वायरल करता है या फिर नफरत फैलाने जैसा वीडियो वायरल करता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कुछ धर्म के ठेकेदार किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को धमकाते हैं, उनको उनकी दुकान नहीं लगाने देते हैं। अब आप समझ सकते हैं ये नफरत आखिर जो है कितनी आगे तक बढ़ चुकी है। अब मैं आपको एक और वीडियो आके दिखाना चाहता हूं। आपको इस वीडियो में हमारे देश के हॉस्पिटल्स की रियलिटी पता चलेगी कि एग्जैक्टली हमारे देश में क्या सिचुएशंस है। वॉच करें इस वीडियो। तमाम बड़े अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है कि हम लोगों को यहाँ पर 10 लोगों को कमरे में बेड दिया गया है रामा हॉस्पिटल में। और एक मरीज हमारा था डायबिटीज का, जो कल से जो ना गलत रहा है और न कोई यहाँ डॉक्टर है न कोई इलाज हुआ है। और कल 11 बजे से यानी 4 बजे से कलटते कलटते अभी जो है ना उसका इंतकाल हो गया। अब ना कोई हमारी लोगों की कोई जांच हुई है और ना कोई डॉक्टर आया है और हमारे एक साथी को इंतकाल हो गया। हम लोगों को यहाँ से जो है ना सुरक्षित पहुंचाइए, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में एक शख्स जो कि बुजुर्ग दिख रहा है खुलिया से और वो पहले डायलिसिस में शख्स जो बोल रहा है, उसके बाद कोई भी डॉक्टर्स उसके पास नहीं पहुंचता है उसकी केयर के लिए ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद वो जो शख्स है वो यानी कि एक्सपायर हो जाता है। अब आप सोचिए कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसा कर दिया, क्या आपको ऐसे रिजल्ट अगर उन्होंने वैसा किया होता तो देखने को मिलते? इससे पहले भी मैंने एक मुंबई के हॉस्पिटल का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें भी आप लोगों ने देखा था किस तरह से आज लोगों का हाल है। जो लोग सीवी पॉजिटिव हैं उनको भी और साथ ही साथ जो डाउटफुल पर्सन हैं उनको भी एक साथ रखा जा रहा है। आप सोचिए क्या एक पॉजिटिव केस वाले शख्स को एक जो डाउटफुल वाले के साथ अगर एक आइसोलेट रखा जाएगा, एक आइसोलेशन में रखा जाएगा तो दोनों के बीच संक्रमण नहीं बढ़ जाएगा? सोचिए आप। तो ये व्यवस्था है हमारे देश की। लेकिन अगर हम ये वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं दिखा रहे। अरे आप पहले छोटे या फिर एक कॉमन सेंस अगर आपके अंदर होगा तो आप सोचिए कि इन वीडियोस को दिखाने से कहीं ना कहीं सरकारों के पास ये मैसेज जाता है कि आपका काम कितना पुख्ता है, जमीनी हकीकत आखिर क्या है आपकी। ठीक है,
इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये भी वीडियो आप गौर से देखिए। सर हम लोग सब पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जितने भी ये लोग खड़े हैं सर, सबके सब 4-5 दिन से किसी ने कुछ खाया भी नहीं, नीचे उतरने नहीं दे रहे पुलिस वाले, नीचे जा रहा हूँ डंडे मार रहे हैं सर, ऊपर आ रहा हूँ खाना नहीं मिल रहा है सर, भूखे मर रहे सर, हमें यहाँ से ले जाने। देखा आप लोगों ने, इस वीडियो में आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग बेचारे अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और ये लोग अपनी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। सरकारें लगातार कह रही हैं कि हम घर घर जा कर के सबको हर चीज़ अवेलेबल कर रहे हैं, सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, सबको होम डिलीवरी कर रहे हैं और हर शख्स को खाना दिया जा रहा है और हर ज़रूरत की चीज़ दी जा रही है। लेकिन क्या आपको इस वीडियो में नज़र आती है ज़रूरत की चीज़? आप सोचिए, ये है आज हमारे देश का